गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर अंगद कुमार, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, मेडिवर्सल हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, तो हमारे फेलो जो पेशेंट हैं और फेलो इंडियंस हैं, उनको वर्ल्ड हैप्पी वर्ल्ड डायबिटीज डे। इंसिडेंटली आज इंसुलिन का आविष्कार होने का आज 100 वर्ष है, 100 साल हो गए आज इंसुलिन का, जिस दिन डिस्कवरी हुआ था। तो इस साल जो वर्ल्ड WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका थीम है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। WHO के रिसेंट डाटा के हिसाब से अभी हमारे इंडिया में हर एक 10 में से एक आदमी को डायबिटीज है, लेकिन अभी भी 50% से ऐसे लोग हैं जिनका डायबिटीज का डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। तो हमारे यहाँ अभी अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। तो ऐसे कोई भी मरीज जिन्हें ज़्यादा भूख लगती हो, पेशाब ज़्यादा होता हो, या शरीर वजन कम होने लगा हो, बार बार उन्हें इन्फेक्शन होता हो, घाव नहीं भरता हो, या जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की, ओबेसिटी की, या उनके यहाँ उनके यदि औरत हैं, अगर प्रेगनेंसी में उनके डायबिटीज डायग्नोज हुआ है, तो तुरंत से तुरंत अपना डायबिटीज़ का जांच कराएं। डायबिटीज़ की जाँच काफ़ी सिंपल है, एक ब्लड से ब्लड शुगर की जाँच होती है, जो बहुत ही सस्ती जाँच है और ये हर जगह अवेलेबल है। तो जब भी आपको इस तरह का सिम्टम आए, आप तुरंत ही अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क करें। वैसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 45 साल से है, 45 साल या उससे ज़्यादा है, उनको निश्चित रूप से ये जांच करानी चाहिए प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत। थैंक यू ऑल, हैव अ सेफ हीलिंग।